हूँ नीलम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मेडिकल अपार्टमेंट के गंदे पानी की वजह से बिल्डिंग के आजू बाजू में रहने वालों का है बुरा हाल। बता दे भिवंडी महानगर पालिका को लिखित पत्र देने के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। बता दे कामतगढ़ स्थित ब्रह्मानंद नगर में मेडिकल अपार्टमेंट है। इस बिल्डिंग के संडास का पाइप कई महीनों से लीकेज है, जिसकी वजह से संडास का पानी पूरा नीचे रहने वाले लोगों के घरों के सामने आता है, जिसकी वजह से आसपास में रहने वाले लोगों का बुरा हाल है, जिसकी शिकायत लोगों ने मेडिकल अपार्टमेंट के लोगों से करते हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता, बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को गंदा पानी की वजह से कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिल्डिंग के लोगों ने सुभाष दहेरे, मयूर मेडकर, योगेश मेडकर, गणेश और शर्मा जी को पाइप रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया है, फिर भी अभी तक रिपेयरिंग नहीं किया गया, ऐसा लोगों का कहना है, और प्रशासन जल्द से जल्द इस पर ध्यान देकर इस समस्या को दूर करे। चार माले के ना? हाँ। मैडम मैंने दरवाजा बंद किया, इधर से इधर आ जाओ। इनका नाम मेडिकर है। अब ये 2014 में चालू हो गया है, तब भी से मैंने चिल्ला रही हूँ इसको, पानी गिरता है बाथरूम का पानी गिरता है, मगर कोई सुनता नहीं है, और ऊपर से कचरा गिरता है, और संडस का पानी घर के सामने से जाता है, संडस का पाइप भी फूटेगा तो भी कोई बोलने को नहीं आते, सुनने को नहीं आते, हम लोग दरवाजा बंद करके रहते है। दो दिन के बाद में आता है, फिर अरे गिरा है कि हम देखा नहीं बोलते, एक को बोलेगा वो बोलते मेरे ऊपर जाके बोल, मेरे को क्यों चिल्ला रहा है, ऊपर जाके बोल बोलते है, चार माला छेड़ छेड़ के हम थक जाते हैं। महानगर पालिका को तकरार हुआ है? ये काफी हमने दिया है, बहुत साल बहुत बार दिया है ये, ऐसा इसका जो सोसाइटी का मेंटेनेंस रहता है वो कौन देता है, मतलब उसको नहीं देते तुम लोग क्या, सोसाइटी मेंटेन रखने के लिए पैसे लेते हैं ना? वो आके देखते अक्का बनाएगा बोलते हैं, अक्का बनाएगा मेरे को मालूम नहीं बोलते, फिर मैं फोन करेगा तो बोलते मैं गांव में। ये अगर साफ सफाई नहीं हुआ तो तुम महिलाएं क्या करोगे? महिला तो हम रोड पे आएगा सबको संडास पाइप फुटलेली आहेत, सर्व पाइप फुटलेली असल्यामुळे सर्व वास येतो, त्याच्यामुळे हे घर सारे बंद करून बसतात, आणि बनवितच नाहीत लोक, मग आम्ही कंप्लेंट भी दिली म्युनिसिपालिटी मध्ये महानगरपालिका मध्ये, तरी पण तिकडे पण लोक येऊन पाहायला येत कोणी येत नाही, मग आता नाही आले म्युनिसिपालिटी वाले नाही आले तेव्हा नंतर तुम्ही काय करणार? आता आम्ही काय करावा, त्यांच्यासाठी पोलीस स्टेशनला जावा का काय करावा, नळ बंद करायचे पाणी? महानगरपालिकेला काय तुम्ही बोलणार आहे? महानगरपालिकेला आमची साफसफाई करून द्या बोलणार, आम्हाला वास येतो, त्रास येतोय, जायचा सर्व कचरा टाकलेला खाली, कचरा साफ करायला पाहिजे, साफसफाई ठेवायला पाहिजे यांना,
पर क्या तकलीफ है? दरवाजे पे ये मेरे दरवाजे के सामने पूरा पानी फूटा हुआ है और सब रंडास गिर रहा है और बोलने जाओ तो कोई कुछ सुनता नहीं है। बिल्डिंग के लोग नहीं सुनते? हाँ, बिल्डिंग के लोग कोई सुनते नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डालते और उसके बाद वो बोलते हम बढ़ोतरी है। बाद में रूम का मालिक आता हमको दम देता है, बोलता है कि हमारे बढ़ोतरी को कुछ बोलने का नहीं, ऊपर से दम भी देते हैं लोग और बिल्डिंग के चारों तरफ लीकेज है, कोई कुछ सुनता नहीं है। हम लोग बोल बोल के थक गए हैं लेकिन कोई कुछ सुनता नहीं है। तकलीफ बताई? बाथरूम से पानी माझ्या दरवाजे येते आणि मेडकडे मी सांगितलं, फोन केला होता साहेबाला, सांगितलं मुर्शी पार्टी मध्ये मी अर्ज दिलाय तरी पण कोण ऐकायला तयार नाही। मग आता काय करणार? कंप्लेंट करायची, मी पोलीस स्टेशन मध्ये जाईल, नंतर पाईपा कापायचं सांगेल मी। त्या बिल्डिंग वाल्याचा काय करणार तुम्ही? काय करणार, पाईपा कापून टाकणार मी डायरेक्ट। बस मी सांगितलं, कोणच ऐकत नाही माझं। पाणी चुटा है, हम लोग घर से निकल नहीं सकते, ऐसा हो गया है। बाथरूम का पानी चुटा है, जब भी निकलो पूरा पानी चुटे रहता है, घर से निकलना मस्तू बोल बोल के हम लोग थक गए इतने साल से, कोई सुनते ही नहीं है, हम लोग क्या करें बताइए। देखो जिस तरह संडास का पानी नीचे आया है और संडास का पानी ही पाइप से पूरा गिर रहा है, हाँ, तो महानगर पालिका को अगर कार्रवाई की गई, उन्होंने नहीं कोई ऑब्जेक्शन लिया, तो आपने पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन क्यों नहीं किया? हम लोग जाएंगे अब आगे, वही करेंगे। अभी तक वो बोले कि बात से हो जाए तो बात आगे नहीं बढ़े, क्योंकि एक जगह सबको रहना है, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे तो अब आगे जाना पड़ेगा। फूट गया इन लोग का पाइप, सब लीकेज है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करता है और ऊपर से लेकर नीचे तक पानी फूलता है, आने पर ही पानी फूलता है, गली से सब दरवाजे बंद करके रखते हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या महानगर पालिका को आपने अर्जी किया? अर्जी दिया है, कोई कार्रवाई नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।